हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे CSS से रिलेटेड रहेंगे। ये ओ लेवल के सेकंड पेपर से संबंधित क्वेश्चन है, M2R5। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज CSS स्टैंड्स, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दूसरा दिया गया है क्रिएटिव स्टाइल शीट, तीसरा दिया गया है कलरफुल स्टाइल शीट और चौथा दिया गया है कंप्यूटर स्टाइल शीट। तो इसका सही उत्तर होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, आपको याद रखना है इसका सही उत्तर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को किसी पेज पर जोड़ने के लिए क्या करेक्ट सिंटैक्स है या करेक्ट HTML टैग है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href mystyle.css। दूसरा दिया गया है स्टाइल शीट, ये जो स्टाइल शीट यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टाइल शीट नाम का कोई भी टैग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा वैसे ही। और अगला ऑप्शन दिया गया है स्टाइल SRC इज इक्वल टू, तो स्टाइल टैग होता है लेकिन उसके साथ में हम इस तरीके से SRC का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन है लिंक, यानी कि लिंक टैग का यूज़ किया जाता है CSS और जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल कोडिंग को ऐड करने के लिए, एक्सटर्नल कोडिंग को लिंक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इन एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ द करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर लिंक किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये पहला दिया गया ऑप्शन इसमें इन द हेड सेक्शन, दूसरा दिया गया इन द बॉडी सेक्शन, तीसरा दिया गया एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ए, इन द हेड सेक्शन। आप यहाँ जो हेड वाला सेक्शन होता है वहाँ पर आप लिंक टैग की मदद से स्टाइल शीट को लिंक करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिंक टैग सिंगुलर टैग होता है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट, कौन सा HTML का टैग इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनल स्टाइल शीट हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है, STYLE स्टाइल, और उसके बाद जो भी आपको किसी भी ID सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर या जिसके द्वारा भी आप स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं उसके द्वारा स्टाइल को डिफाइन कर देंगे, स्टाइल शीट को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टैग यूज़ होता है स्टाइल का, जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये किसके लिए यूज़ होता है, JS के लिए, CSS कोई टैग होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इन लाइन स्टाइल शीट, कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है इन लाइन स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए। इन लाइन स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिया गया स्टाइल, दूसरा दिया गया क्लास, तीसरा दिया गया स्टाइल्स और चौथा दिया गया फॉन्ट। देखिए, फॉन्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं होता है, स्टाइल्स भी एट्रीब्यूट नहीं होता है, एट्रीब्यूट दो हैं, एक है क्लास और एक है स्टाइल। तो क्लास किसी आईडी, किसी क्लास को रेफर करने के लिए किया जाता है, लेकिन डिफाइन अगर इनलाइन की बात करें तो इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द करेक्ट CSS सिंटैक्स, इनमें से कौन सा CSS का सही सिंटैक्स है। पहला दिया गया बॉडी, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया गया है, कॉलर ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, नेक्स्ट बॉडी और उसके बाद कॉलन कलर इक्वल ब्लैक। देखिएगा, जब हम CSS में किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर किस टाइप का सिलेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना होता है, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपको लिखनी होती है CSS की वो प्रॉपर्टी जो आप चेंज करना चाहते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके का रहता है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, हाउ डू यू इंसर्ट ए कमेंट इन CSS, CSS में कमेंट को आप कैसे इंसर्ट करेंगे। CSS में कोई भी कमेंट राइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लैश स्टार, दिस इज़ अ कमेंट या वॉट एवर, जो भी आपको कमेंट लिखना है वो यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा
और उसके बाद फिर से स्टार लगाएंगे, फिर स्लैश लगा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कमेंट के लिए इस तरीके से हम स्लैसेस का यूज़ करते हैं, स्लैश लगाते हैं उसके बाद स्टार, फिर जो भी हमें लिखना है कमेंट जो भी टेक्स्ट है वो, फिर अगेन स्टार, फिर स्लैश। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से आपकी डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूज होता है हमारा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर यूज होता है आपका बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पूछा गया है हाउ डू यू एड ए बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट्स, यानी कि H1 जो हेडिंग है, जितने भी H1 हेडिंग्स हैं उन सभी के लिए बैकग्राउंड कलर कैसे आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है H1, फिर देन बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर यहाँ पर सेट कर दिया गया है वाइट हेक्साडेसिमल कोड से। दूसरा ऑप्शन है R.H1 बैकग्राउंड डैश कलर, और उसके बाद वैल्यू डाल दी गई है कलर की वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जब हम टैग सिलेक्टर का यूज करते हैं, कोई भी टैग सिलेक्टर हो, तो जहाँ पर भी वो टैग लगा होगा वहाँ पर अपने आप से वो चेंजमेंट आ जाएंगे जो आपने टैग सिलेक्टर के साथ में प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा H1 बैकग्राउंड डैश कलर और कलर की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखें इसके लिए खाली कलर का यूज़ किया जाता है, नहीं तो आप टेक्स्ट कलर ना लिखें, क्योंकि टेक्स्ट कलर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट के साथ चलती हैं या फॉन्ट के साथ चलती हैं जो फॉन्ट या टेक्स्ट से संबंधित होती हैं, लेकिन कलर प्रॉपर्टी अकेले चलती है, कलर के लिए हमें खाली कलर लिखना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज, इनमें से कौन सी CSS की प्रॉपर्टी टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है फॉन्ट साइज, दूसरा है टेक्स्ट साइज, तीसरा है टेक्स्ट स्टाइल, चौथा है फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्स्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स फॉर मेकिंग ऑल द पैराग्राफ एलिमेंट बोल्ड, प्रत्येक पैराग्राफ एलिमेंट को बोल्ड करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पी फॉन्ट डैश बेट बोल्ड, दूसरा दिया गया है पी टेक्स्ट डैश साइज बोल्ड। देखो साइज का जो वैल्यू होता है वो न्यूमेरिकल दिया जाता है, वो बोल्ड नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर टेक्स्ट का जो साइज की प्रॉपर्टी होती है उसका वैल्यू हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जैसे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल या 1 EM वगैरह, अलग अलग यूनिट में होते हैं तो वो देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पी स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश साइज बोल्ड, देखो साइज की प्रॉपर्टी फिर से इन्होंने बोल्ड रखी है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट पी स्टाइल फॉन्ट डैश साइज बोल्ड, देखो फॉन्ट के साथ में साइज लगता नहीं है तो ये भी हमारा गलत है। तो नेक्स्ट हमारा जो बचता है वो है ए पी फॉन्ट डैश वेट बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट एन अंडरलाइन, किसी हाइपरलिंक को आप बिना अंडरलाइन के कैसे शो कराएंगे, इसके लिए पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन, दूसरा है बी ए अंडरलाइन नन, देखो अंडरलाइन नाम की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सी ए डेकोरेशन कॉलन नन नो अंडरलाइन, नो अंडरलाइन नाम की कोई वैल्यू नहीं होती है डेकोरेशन की। नेक्स्ट है हमारा ए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नो अंडरलाइन, तो फिर से वही चीज़ है, तो डेकोरेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है नो अंडरलाइन। ठीक है, पहले तो ऐसे डेकोरेशन नाम से प्रॉपर्टी नहीं लिखी जाती, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन। ठीक है, आपको याद रखना है अगर डेकोरेशन नन कर देंगे तो अंडरलाइन नहीं आएगा, डेकोरेशन की आपको ये वैल्यू याद होंगी, एक होती है ओवर लाइन, एक होती है अंडरलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, ओवर लाइन लगा सकते हैं या कोई भी लाइन नहीं दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। आप ऐसा कैसे करेंगे कि प्रत्येक वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। CSS की कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है क्या जिसकी मदद से हम प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिख पाएँ, यानी कि टाइटल केस में लिख पाएँ। तो पहला ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, दूसरा दिया गया यू कांट डू दैट विथ CSS, आप ऐसा CSS के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम CSS के साथ कर सकते हैं। सी है हमारा ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज और डी है ऑप्शन हमारा टेक्स्ट डैश स्टाइल कैपिटलाइज। देखो टेक्स्ट स्टाइल में हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का यूज़ किया जाता है, वैसे टेक्स्ट स्टाइल यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत रहेगा। ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो ट्रांसफॉर्म खाली ट्रांसफॉर्म नाम से कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा हमारा केवल एक, पहला वाला टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैसा, कैपिटलाइज में, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। फॉन्ट का मतलब है उसकी लिखावट, जैसे प्रत्येक व्यक्ति लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है, वैसे यहाँ पर कुछ फॉन्ट होते हैं जो कि अलग अलग तरीके का लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो फॉन्ट को चेंज करने के लिए की जाती है। यहाँ पर पहला दिया गया है फॉन्ट फैमिली, दूसरा दिया गया फॉन्ट वेट और तीसरा दिया गया फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो पहला वाला जो है हमारा फॉन्ट फैमिली, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है फॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए। आपको HTML का एक टैग याद होगा फॉन्ट और उसका एक एट्रीब्यूट फेस, जो फॉन्ट फेस काम करता है वही सेम काम करता है हमारा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, आप टेक्स्ट को कैसे बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है ये बताना है हमें, ठीक है। एक दिया गया है फॉन्ट वेट बोल्ड, दूसरा दिया गया है फॉन्ट बोल्ड, तीसरा स्टाइल बोल्ड। देखिए क्या फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट नाम की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिसमें हम फॉन्ट डायरेक्टली बोल्ड कर दें। अगला दिया गया स्टाइल बोल्ड, ये भी हमारा नहीं यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है फॉन्ट डैश वेट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट का वेट बोल्ड करना होता है हमें, इस तरीके से हमारा ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हाउ डू यू डिस्प्ले ए बॉर्डर लाइक दिस, आप बॉर्डर ऐसा बॉर्डर कैसे दिखा पाएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी दी गई है। द टॉप बॉर्डर 10 पिक्सल, जो ऊपर वाला बॉर्डर हो वो 10 पिक्सल का आए, ठीक है, ऊपर वाला बॉर्डर 10 पिक्सल का आए, ठीक है। और उसके अलावा बताया गया द बॉटम बॉर्डर इज 5 पिक्सल, और जो बॉटम बॉर्डर हो वो आपका 5 पिक्सल का आए, ठीक। और अगला दिया गया द लेफ्ट बॉर्डर इज 20 पिक्सल, और जो लेफ्ट वाला बॉर्डर हो वो आपका 20 पिक्सल का आए, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर हमारा हो गया 20 पिक्सल, और राइट साइड का जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का आए, राइट बॉर्डर आपका पतला सा आए 1 पिक्सल का, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, किसी बॉर्डर किसी बॉक्स में इस तरीके का अगर बॉर्डर लगाना है तो किस तरीके से आप सेट करेंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी किस तरीके से देंगे, तो आप देख लीजिएगा। देखिए जो हम पहली वैल्यू देते हैं वो पहली वैल्यू यूज होती है हमारे टॉप बॉर्डर के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है कौन से बॉर्डर के लिए यूज हमें आएगी, टॉप बॉर्डर के लिए यूज में आएगी, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपके राइट बॉर्डर के लिए यूज होती है, राइट साइड के बॉर्डर को ये चेंज करेगी, ठीक है। अगली जो वैल्यू रहेगी हमारी वो रहेगी बॉटम बॉर्डर के लिए, ठीक है, बॉटम बॉर्डर को ये सेट करेगी। और जो हमारी चौथी वैल्यू होगी वो आपके लेफ्ट बॉर्डर को सेट करती है, ये लेफ्ट साइड के बॉर्डर को सेट करती है। तो आप देख लीजिएगा बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी में कौन से ऐसे वैल्यू दिए गए हैं जो आपके इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि पहला वाला 10 पिक्सल जिसमें वैल्यू दिया गया हो, दूसरा वैल्यू जिसमें 1 पिक्सल दिया गया हो, और तीसरा वैल्यू जिसमें 5 पिक्सल हो, और चौथा वैल्यू जिसमें 20 पिक्सल हो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया था टॉप बॉर्डर रहेगा हमारा 10 पिक्सल का, बॉटम बॉर्डर रहेगा 5 पिक्सल का, और जो लेफ्ट बॉर्डर है वो 20 पिक्सल का, और राइट बॉर्डर रहेगा 1 पिक्सल का, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कौन सी बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी ऐसी सेट की गई है जिसमें 10 पिक्सल पहला बॉर्डर हो, ठीक है, दूसरा बॉर्डर में वैल्यू दिया गया हो 1 पिक्सल, और तीसरे में आपको वैल्यू दी गई हो 5 पिक्सल, और चौथे में वैल्यू दी गई हो 20 पिक्सल। जो भी इस तरीके से लिखा होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 पिक्सल
वन पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। तो इसका सही आंसर हमारा पहला वाला ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के लेफ्ट मार्जिन को सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो मार्जिन को सेट करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है मार्जिन, ठीक है। अगर आप सारे मार्जिन एक बार में सेट करना चाहते हैं तो आप खाली मार्जिन लिखेंगे और मार्जिन में वैल्यू दे देंगे। जैसे आपने दे दिया 40 पिक्सल, ठीक है, तो चारों तरफ के जो मार्जिन सेट हो जाएंगे वो 40 पिक्सल रहेंगे। लेकिन अगर आप केवल कोई एक मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड का सेट करना है, और उसके बाद आप वैल्यू को दे देंगे। जैसे हमने दे दिया 10 पिक्सल या कुछ भी, तो वो हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के मार्जिन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो रहेगा ए, ठीक है। पैडिंग का अलग वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, व्हेन यूजिंग ए पैडिंग प्रॉपर्टी आर यू अलाउड टू यूज नेगेटिव वैल्यूज। क्या आप पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं। देखिएगा, पैडिंग में हम लोग नेगेटिव वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते। मिनिमम आपकी 0 पिक्सल हो सकती है पैडिंग, इसके लिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डू यू मेक ए लिस्ट दैट हैज इट्स लिस्ट आइटम विथ स्क्वायर। यानी कि वो आप कैसे एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसके प्रत्येक आइटम के आगे बुलेट क्या हो, स्क्वायर हो, ठीक है, एक बुलेट लगा हो जो कि आपका स्क्वायर हो। तो यहाँ पर एक दिया गया लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप स्क्वायर, एक दिया गया लिस्ट स्क्वायर और लिस्ट डैश टाइप स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डू यू सेलेक्ट एन एलिमेंट विथ आईडी डेमो। यानी कि आईडी है एक जो कि डेमो है, उसे सेलेक्ट करने के लिए यानी कि उसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एलिमेंट डेमो आईडी से सेलेक्ट करने के लिए आप आईडी कैसे डिफाइन करेंगे। तो आईडी जब भी डिफाइन की जाती है तो वो हैज के साथ डिफाइन की जाती है, ठीक है। आईडी सेलेक्टर जो डिफाइन किया जाता है वो हैज के साथ डिफाइन किया जाता है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डू यू सेलेक्ट एलिमेंट विद क्लास नेम टेस्ट। क्लास नेम जिसका टेस्ट हो, ऐसे एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए क्लास के आगे हम डॉट का सिंबल यूज करते हैं, कोई भी क्लास नेम हो, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड ए डिव एलिमेंट। किसी डिव एलिमेंट के अंदर आप सारे पी एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है डिव डॉट पी, दूसरा है डिव प्लस पी, और नेक्स्ट है हमारा डिव और स्पेस देके पी, ठीक है। तो जब हम चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं डिव या कोई भी जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट है उसके बाद स्पेस देके लिखेंगे हम चाइल्ड एलिमेंट को, ठीक है, जिसे जिसमें हमें चेंजमेंट करना है। तो जो ये वाला रहेगा हमारा सी वाला, वो आंसर सही रहेगा। यानी कि इस डिव जब भी डिव लगी हुई है उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनमें ये चेंजमेंट लाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डू यू ग्रुप सेलेक्टर्स। आप सेलेक्टर्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। सेपरेट ईच सेलेक्टर विथ ए कॉमा, सेपरेट ईच सेलेक्टर विथ ए स्पेस, सेपरेट ईच सेलेक्टर विथ ए प्लस साइन। देखिए, जो भी हमारे सेलेक्टर्स होते हैं, कई सारे सेलेक्टर्स को एक साथ सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती हैं तो हम उनको कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। जैसे हमें पैराग्राफ में भी वही चेंजमेंट करना है, वही हमें H1 हेडिंग स्टाइल में चेंजमेंट करना है, वही हमें डिव में चेंजमेंट करना है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप एलिमेंट होता है, ग्रुप कर देते हैं, इन सभी में हमारे सेम चेंजमेंट आएंगे। तो यहाँ पर सेपरेट किए जाते हैं ये कॉमा के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सेपरेट ई सेलेक्टर विद ए कॉमा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तक पहुँचाएँ जिससे वो भी इसका सही उपयोग कर पाएँ और इसका लाभ ले पाएँ। क्योंकि ओ लेवल मार्च जो होने वाला है उसमें काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सेकेंड टाइम है जब पेपर हो रहा है न्यू पैटर्न पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यू पैटर्न वाला जो भी चेंजमेंट हुआ है उसमें
काफ़ी सारा HTML, CSS सारा कुछ आता है। तो CSS के जो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको पूरा आप कई बार देखें, नहीं समझ में आ रहे हैं तो, और कमेंट करें अगर आपको कोई समस्या है इन क्वेश्चंस में, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आपके कमेंट्स के द्वारा हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट्स का। और उससे संबंधित अगर कुछ ज़्यादा डिटेल्स वीडियो चाहिए तब भी हम उसके लिए बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 25। व्हाट इज़ द व्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? देखिए, पोजीशन प्रॉपर्टी लगती है किसी भी बैकग्राउंड की पोजीशन को सेट करना है या किसी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने के लिए होती है। तो इसमें चार वैल्यू होती हैं। एक होती है आपकी स्टैटिक, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है फिक्स, एक होती है रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी वो आपकी होती है स्टैटिक। ठीक है, इससे संबंधित ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप कमेंट करिए तो मैं इससे संबंधित आपको वीडियो, CSS से संबंधित वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क कर रही है, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी दे दूंगा। और ये सारे की सारी प्रॉपर्टी आपकी CSS3 से संबंधित हैं। इस समय जो CSS का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 3, और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है आपका 5। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखें। HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5 और CSS का चल रहा है CSS3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।